अली उसका फरमान। नबी के दर से ही खैरात इल्म मिलती है, ये इल्म मिलता है मौला अली के सीने। नारा लगाने वाले की तनहा आवाज बड़ी थी, आप सबकी छोटी बड़ी। नारे हैदरी, ये इल्म मिलता है मौला अली के सीने से। आखिरी आदमी तक मेरी बात को गौर से सुनिए। हजूर की आल की मोहब्बत के बगैर हजूर की मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकती, और हजूर की आल के जिक्र के बगैर हजूर का जिक्र मुकम्मल नहीं हो। यह फैसला कुरान का है, ये फैसला दुरूद का है, ये फैसला हमारे इमाम हमारे रहनुमा आला हजरत का है। वारसी ने भी तो कहा, चिश्ती फकीर भी तो कहते हैं कि बैदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैर निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। फिर आला हजरत ने कहा कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर। ये सारी बातें सुनने और समझने के बाद अब हमने फैसला किया नबी की आल से उल्फत मर जाओ। हावत तुम्हारी सुभान अल्लाह की आवाज से महरूम रहा मैं। अल्लाह का तारुफ पेश कर दूं कि हमारा नाथ खान खबर दिया मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ। आल से मोहब्बत करके बड़ा अजीब जुमला आ गया जहन में, आल से मोहब्बत का इजहार करके हम अपने ईमान की इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ये दे रहे हैं ना, ये खराज पेश कर रहे हैं ना, यही तो प्रीमियम है हमारा। आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ। आल के मतलब पढ़ लो क्योंकि मेरे आका राजी हो जाए। अल्लाह हबीब का जिक्र करेंगे तो अल्लाह राजी होगा, और आल का जिक्र करेंगे तो हुजूर राजी होगा। नबी की आल पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली। इससे जानों की आवाज आनी चाहिए सुनिए। पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जमा तो इमामत खरीद ली।
जिक्र हम कर रहे हैं ये अपने ईमान की इंश्योरेंस करवाने के लिए जो हम ये प्रीमियम जमा करा रहे हैं ना उस बारगाह में, इसे जरा गौर से सुनिए सुभान अल्लाह। ये जिक्र मेरी बका की असास रहता है, मुझे बचाता है रमजान। अजीब जिक्र है ना कर शनास रहता, मिश्रा बड़ा था सुभान अल्लाह की आवाज का बनी। अजीब जिक्र है ना कर शनास रहता है, हजार मौत से टकरा के भी मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मेरा हुसैन मेरे आस पास रहता। मेरा हुसैन मेरे आस पास रहता। चौथा मिसरा सुनिएगा, अकीदा भी होगा और नतीजा भी होगा। बयत यसद यही था तकाजा यजीद का, एक ही तकाजा था ना, या हुसैन सर दे दें या हुसैन बैठ कर दें। आप जितनी दफा सुभान अल्लाह कहेंगे खुदा की कसम मेरा ईमान है हर बार मेरे हुजूर हमसे राजी होंगे। बयत यसद बयत यसद यही था तकाजा यजीद का, मायूस दर से कोई सवाल ही नहीं गया। बयत न की हुसैन ने सर दे दिया उसे, इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। चल से